क्लास 12th के सभी बच्चों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग यहाँ पर आज एक प्रैक्टिकल नंबर 3rd पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 3rd हम बढ़ाने जा रहे हैं अपने इस पूरे जो क्लास 12th की प्रैक्टिकल की सीरीज चल रही है। जिसी तरीके से पूरे लिखवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, अनुसर पर पूरा भरोसा बनाए रखिएगा, इसलिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज आपको बता, इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे साथ रहोगे आप, तो ये निश्चित है कि मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा। तो यहाँ पर आज हमारा सबसे पहला हेडिंग, आज उद्देश्य को मैं इंग्लिश में लिखे दे रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर एम लिखे दे रहा हूँ। तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ एम लिख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका एम, तो एम का मतलब ही उद्देश्य होता। आप भी एम लिखिए। अब यूपी बोर्ड वो बोर्ड नहीं रह गया जहां पुरानी सोच थी, सोच बदल चुकी है, एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। यहाँ पर लिखे दे रहा हूं दिए गए लवण में, यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं दिए गए लवण में, दिए गए लवण में एक अम्लीय और एक भास्मिक मूलक ज्ञात करना, एक अम्लीय और एक भास्मिक मूलक, एक भास्मिक मूलक ज्ञात करना, ज्ञात करना। तो बिल्कुल परफेक्ट आप लिखिएगा, बढ़िया बढ़िया आपको लिख करके भी दे रहा हूं, इसलिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं, है ना। अनुसर के साथ रहेंगे और आपको वो करवाऊंगा जो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उससे बढ़िया आपको हर चीज दूंगा। तो यहाँ पर एक टेबल बना लीजिएगा, उस टेबल को आप बोलेंगे किसकी टेबल है ये एक अम्लीय मूलक की तालिका है। तो यहाँ पर अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका मैंने बना दी है, और अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका में आप नोट कर सकते हो। अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका में आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा आसानी से, बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से ड्रॉ करिएगा जिससे कि आप यहाँ पर लिख सके। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर बच्चा फटाक से। अब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड भी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर डाल दूंगा, यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दूंगा, यहीं पर आपका एक एक्सपेरिमेंट का कॉलम बना देता हूँ। एक्सपेरिमेंट का आज थोड़ा सा कन परिवर्तन कर रहा हूँ, मैंने हिंदी में लिखा लेकिन मुझे जो दिखाई दिया कि बच्चे इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, वो कितने बढ़िया बच्चे हो गए कि इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर मैं वही एक्सपेरिमेंट और इन्फेरेंस बना देता हूँ। तो यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ अंदर, अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका। तो यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ मैं अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका, तो यहाँ पर हेडिंग बना करके दे रहा हूँ अम्लीय मूलक की, अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका। अगर अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका की बात करते हैं, तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। यहां सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है, सीरियल नंबर। यहां पर आप एक्सपेरिमेंट लिख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट, परीक्षण जिसे बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो सीखोगे ना। यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, प्रेक्षण जिसे बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, और यहाँ पर आप इन्फेरेंस लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप? इन्फेरेंस लिखिएगा, ठीक है। इन्फेरेंस मतलब होता है निष्कर्ष लिख देना। अब यहाँ पर हम एक एक एक्सपेरिमेंट शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 यहाँ लिखता हूं, दिए गए लवण में, दिए गए लवण में डाइल्यूट यानी तनु H2SO4 मिलाते हैं, तनु H2SO4 मिलाते हैं। तो यहां क्या होगा, बुदबुदाहट, सनसनाहट, एकदम ब्रिस्क इफर्वेसेंस जैसे इनो में होता है, तो सनसनाहट, सनसनाहट, बुदबुदाहट,
सनसनाहट बुदबुदाहट के साथ साथ CO2 गैस निकलती है। ठीक है, अगर CO2 गैस निकल रही है, मतलब मैं ऐसा मत करना कि सर ये तो मैंने लिख लिया ना, रिपीट भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट, तो लिखना सभी को है। मान लीजिए निकलती है, तो इसका मतलब है कार्बोनेट आयन संभव है, कार्बोनेट आयन संभव है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा प्राप्त गैस को यानी उपरोक्त गैस लिख दो, उपरोक्त उपरोक्त गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, ऐसे लिख दो, करते हैं, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, यहां पर लिख देना कार्बोनेट आयन निश्चित है, यहां पर आप निश्चित कर दीजिएगा, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेस में पास कर दोगे तो दूधिया रंग चला जाएगा, अधिक मात्रा में गैस पास करने पर, अधिक मात्रा में गैस प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर अधिक मात्रा में गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग गायब हो जाता है। ठीक है, और यहां CO3 निश्चित हो जाएगा, CO3 निश्चित है। समझ गए इतनी बात? चलिए, तो ये तो हमारा कार्बोनेट आयन, इसे दोबारा लिखना है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ये दोबारा लिखना है, ये मत सोचना एक बार लिख चुके, ऐसा कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, अनुसर के होते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर बनाइएगा भास्मिक मूलक की, या फिर क्षारीय बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्षारीय क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका, क्षारीय मूलक की परीक्षण, क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, परीक्षण तालिका में वही अपने कॉलम बना लेने फटाफट, एक लाइन ऐसे खींच लिए बढ़िया सी, बुरी प्रॉपर लाइन खींचे दे रहा हूं, इसलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं, पेशेंस बनाकर मेरे साथ बैठे रहिए। यहां वही सीरियल नंबर, यहां पर आप आ जाइएगा एक्सपेरिमेंट, यहां पर आ जाइएगा, जो आपको बता रहा हूं इतना कर लोगे ना, नंबर पूरे 30 के 30 फाइनल है। कॉपी एकदम बढ़िया होनी चाहिए ना, कॉपी बढ़िया, यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो एकदम मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अनुस्वर की बात को माने, तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये अंडू करना पड़ेगा भाई, थोड़ा व्यू छोटा कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि चलो खैर कोई बात नहीं, एक बार में लाइन आनी चाहिए, और इस तरीके से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता ठीक, वेरी गुड। तो वहीं पर वही सेम कंडीशन चलिएगा एकदम से, यहाँ मस्त और नेचुरल टीचिंग मिलेगी आपको, सीरियल नंबर, यहाँ पर वही आप एक्सपेरिमेंट बना लीजिए, यहीं पर आप ऑब्जेक्ट पूरा लिख लेंगे ना, एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे यार, सभी बच्चे एकदम बढ़िया हो, एक्सपेरिमेंट, यहाँ ऑब्जर्वेशन पर चले आइए, ऑब्जर्वेशन पर चले आइए, और यहाँ पर आ जाइए इन्फेरेंस मतलब निष्कर्ष, इन्फेरेंस निष्कर्ष, जैसा कि मैंने पुराना भी लिखवाया है,
तो अब हमें जो भास्मिक मूलक पता करना है वो एक भास्मिक मूलक का भी हम लोग एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, और भास्मिक मूलक में इस बार हम लोग एक नए एक्सपेरिमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, और एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है और ये जरूर आप लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको फटाक से कन्फर्मेशन मिल जाए कि नहीं ये, यानी कि यहाँ पर आपको मूल विलयन बना लेना है। तो मूल विलयन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूल विलयन। अब मैं थोड़ा एक तरीका बदल रहा हूँ, यहाँ लिखिएगा मूल विलयन। अब तरीका ध्यान दीजिए, एकदम स्टैंडर्ड हो जाएगा। मूल विलयन प्लस एनएच डाला, देखो कितना आप दिक्कत भी नहीं आएगी, आप एनएच डाला प्लस उसको हीट कर दिया, आया ना, थ्योरी से बच जाओगे, हीट कर दिया, यही चलता है। जो काटे मुझे फोन करना है, सर इन टीचरों ने मेरा ये सब काट दिया, देखता हूँ। मूल विलयन प्लस एनएच प्लस हीट, जैसे ही करोगे यहाँ पर कोई स्मेल नहीं आएगी, तो यहाँ लिख देना नो स्मेल, कोई गंध नहीं आती, तो आप सिंपल सा नो स्मेल लिख दीजिए, नो स्मेल, ऐसे ही लिखिएगा जैसे लिखवा रहा हूँ, नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं, कोई गंध नहीं। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो भी मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, कोई गंध नहीं आएगी, तो कोई गंध नहीं लिख देना, इतना सफिशियंट, ठीक है, कोई गंध नहीं। तो मतलब शून्य ग्रुप, जीरो ग्रुप एब्सेंट है, जीरो ग्रुप क्या है, एब्सेंट है, शून्य समूह अनुपस्थित है, याद रखना। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, मूल विलयन जो है आपके पास में, आप मूल ही विलयन लीजिए, परेशान ना होइए, है ना, ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप मूल विलयन ले लीजिए। और मूल विलयन में आप क्या करिए जो है वो HCl डाल लीजिए, और HCl डाल करके आप इसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं, H2S गैस पास करते हैं, यानी कि प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही H2S गैस आप प्रवाहित करोगे ना, तो इसका मतलब है कि उसमें फिर कोई प्रेसिपिटेट, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तो नो पीपीटी, इतना लिख दोगे बहुत है, नो पीपीटी, जो है ना शॉर्टकट एकदम मेथड, नो पीपीटी, कोई अवक्षेप नहीं। हिंदी में लिखना चाहना तो फिर बता रहा हूं, कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो कोई अवक्षेप नहीं, जब कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा तो फिर आपका मतलब हुआ कि फर्स्ट ग्रुप भी एबसेंट है। तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप भी क्या हो गया, एबसेंट हो गया, सॉरी, ये आपका शून्य समूह हो गया। और अगर आप केवल H2S नहीं पास करना था, HCl लिखना था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर केवल HCl लिखना था, यहाँ पर ध्यान दीजिए केवल HCl लिखना था, यानी फर्स्ट ग्रुप एबसेंट करना था हमें, फर्स्ट ग्रुप एबसेंट। अब HCl पास करेंगे तो यहाँ वो H2S गैस पास करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिएगा मूल विलयन, मूल विलयन लीजिएगा, मूल विलयन लीजिएगा, HCl डालना उसके अंदर, और साथ में अब आपको H2S गैस पास करनी है, H2S गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जैसे ही H2S गैस किस सेपरेटर से, किप सेपरेटर से H2S गैस प्रवाहित करते हैं, और जब H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता यहाँ पर, कोई अवक्षेप नहीं, नो प्रेसिपिटेट, नो पीपीटी, फिर वही बात, कोई अवक्षेप नहीं, सेकेंड ग्रुप यहाँ पर अनुपस्थित हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आपके पास में। चलिए चौथा पॉइंट, टेबल हो सकता है थोड़ी सी मुझे आगे जोड़नी पड़े। चौथा पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें मूल विलयन लेंगे, और क्या लेना बेटा, मूल विलयन, तो यहाँ लिख दीजिएगा मूल विलयन लीजिएगा, मूल विलयन लेना प्लस, अब क्या करना है इसमें आपको NH4Cl अधिक मात्रा में डालना, NH4Cl अधिकता में डालना है, किसमें डालना है, अधिकता में आप डालिएगा NH4Cl, और पास करिएगा, अमोनिया गैस पास नहीं करनी, NH4OH तब तक डालना है, NH4OH डालते हैं प्लस NH4OH का मतलब NH4OH डालते हैं जब तक अमोनिया की गंध नहीं आ जाए, इतना आ गया, और लिख देना। तो यहाँ पर सफेद व्हाइट जिलेटिनस, यानी कि सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ इस बात का इंपॉर्टेंस है कि सफेद अवक्षेप ही यहाँ पर रिजल्ट आपको देगा। तो यहाँ लिखना व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑप्टेट, यानी कि व्हाइट पीपीटी यहाँ पर मिलता है। तो मतलब यहाँ हो गया थर्ड ग्रुप प्रेजेंट हो गया, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और थर्ड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब भी यही बता देता हूँ, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट होने के साथ साथ यानी AL के पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि AL ट्राई पॉजिटिव आयन पॉसिबल है, AL ट्राई पॉजिटिव आयन जो है
वो यहां पर पॉसिबल हो गया, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलो एक काम हो गया, अब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है इसको कंफर्म करना है कि ए पॉसिबल हो सकता है, तो इसे धुल लेंगे प्रेसिपिटेट को, और धुलने के बाद हम लोग इसमें मतलब जो हमें मिला है व्हाइट पीपीटी उसको हम छान के बिल्कुल साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद हम इसे कंफर्म करेंगे क्या ये हमारा एल्यूमिनियम एल ट्राई पॉजिटिव है। तो इसमें एक लेक टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, लेक टेस्ट। खैर आपको उससे बहुत ज्यादा, व्हाइट पीपीटी को डाइल्यूट एसीएल में घोल दीजिएगा, ठीक है। तो यहां लिख देना व्हाइट प्रेस, अब अक्षेप को व्हाइट पीपीटी को, व्हाइट प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट एसीएल में, डाइल्यूट एसीएल में घोलते हैं, घोलते हैं, ठीक है, और इसमें बूंद कर, बूंद बूंद करके ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो जैसे इसमें बूंद बूंद करके ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें एक जैसा स्काई में कलर आता है वही हमें दिखाई देता है। डाइल्यूट एसीएल में घोलते हैं तथा बूंद बूंद, बूंद बूंद ब्लू लिटमस बिलियन डालते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैं टेबल थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, आप थोड़ा बड़ा ही कॉलम बनाइएगा, मैं इसी के ऊपर एकदम बड़ा कॉलम बना दे रहा हूं, आप इसमें एग्जैक्ट सेम इसी में मतलब थोड़ी बड़ी टेबल कर लीजिएगा, नहीं आप सोचोगे सर यार ये क्या, ये तो छोटी टेबल थी ना, छोटी वोटी कुछ नहीं, आप बड़ी कर लीजिएगा, परेशान नहीं होइए, बड़ी टेबल आप बना देना। इसको इस लाइन को ऐसे खींच देना, सीधी कर देना, इस लाइन को भी आप सीधी कर देना फटाक से, देखो बढ़िया आपका। मैं ये पीडीएफ लगाऊंगा, पीडीएफ आसानी से आप आराम से उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए अब इसके बाद लिख लेता हूँ मैं फटाक से, कहाँ पर आ गया, ब्लू लिटमस डालते हैं। जैसे ब्लू लिटमस डालोगे तो हमें कैसा मिलेगा, यानी ब्लू प्रेसिपिटेट यानी स्काई, आसमानी रंग मिलता है, स्काई आसमानी अवक्षेप, यहां लिख देता हूं आसमानी, आसमानी अवक्षेप, आसमानी अवक्षेप NH4OH में तैरता है, जैसे बादल तैरते हैं ना स्काई, NH4OH में तैरता है, ठीक है। तो यहां लिख देना एल ट्राई पॉजिटिव आयन कंफर्म, इतना लिखना, और ये आपका एक एक्सपेरिमेंट और बढ़ जाता है, लेकिन कार्बोनेट आयन जरूर लिखना है इसके साथ में, एक एनायन जरूर लिखना है, इसके बाद लिखिएगा रिजल्ट या परिणाम। तो मैं यहां पर आज रिजल्ट लिखूंगा, आप लोग भी रिजल्ट लिखिए, थोड़ा मॉडर्न बनिए, क्या वही बातें, और थोड़ा डिजाइन भी दीजिए बढ़िया सी, है ना। रिजल्ट में आप लिखोगे दिए गए, दिए गए लवण में, दिए गए लवण में एक अम्लीय, एक अम्लीय CO3 डाइनेगेटिव तथा एक भास्मिक, एक भास्मिक, भास्मिक मतलब होता है क्षारीय, एक भास्मिक बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं, एक भास्मिक कौन सा है, एल ट्राई पॉजिटिव आयन, आयन उपस्थित है, उपस्थित है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट अब आपको मैं दिखाता हूं, थोड़ा इसकी मैं पीडीएफ बना करके आपको मस्त दे दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरा लिख लीजिए आराम से, और लिखने के बाद आपने लिख ही लिया होगा, पूरा लिखने के बाद आप आराम से इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बना देना, और इसी तरीके से मैं आपको 15 एक्सपेरिमेंट पूरे लिखवाऊंगा, फिर बताऊंगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो आप परेशान नहीं होइए, जहां तक है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और अनुसर से अगर क्लास 12th की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, क्लास 12th यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री पढ़नी है, तो फिर आप हमारे इसी चैनल पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, यानी कहने का मतलब है जो केवल इंटरनेट यूजिंग चार्जेस है वो करके, यानी कि फ्री सेवा, बिल्कुल इंटरनेट
सेवा आपको दूंगा। तो यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो बोर्ड की प्रिपरेशन करिए, बोर्ड एग्जाम आपके निकट है, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हमसे जुड़ जाइए, है ना। और अधिकतर बच्चों को जो मैंने नंबर दिलाए हैं वो नंबर भी मैं आपको दिलाऊंगा, और वो नंबर की गिनती थी 100 out of 100। केमिस्ट्री में 100 out of 100 बहुत बच्चों ने पाए हैं, और 90 से लेकर के 99 तक की तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ, कम से कम अब तक पूरे लाइफ में 1000 से ज्यादा बच्चे मैंने दिए हैं इस गिनती पर, ठीक है। बाकी 78-80 का तो गिनती ही नहीं, शायद हमें लग रहा है कि 10,000 पार हो गया होगा। तो अगर आपको ये नंबर पाने हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिखानी है तो फिर आप आइए मैदान में अनुसर के साथ में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको दिलाऊंगा पूरी प्रिपरेशन के साथ, यानी कि जो चैप्टर आपको डिसाइड है उन चैप्टर पर भी हमारा डिस्कशन चलेगा, तो चैप्टर डिस्कशन भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर डिस्कशन भी हो और चैप्टर पर प्रॉपर तैयारी भी हो, तो चैप्टर डिस्कशन के साथ में चैप्टर डिस्कशन हो, उसके क्वेश्चन डिस्कस हो, न्यूमेरिकल डिस्कस हो, और यूपी बोर्ड में आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो फिर आप आइए आज ही इसी चैनल पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और ये 2024 का हमारा महायुद्ध होगा, महासंग्राम होगा। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप इस महासंग्राम का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी कड़ी बनना चाहते हैं, तो फिर आइए मैदान में और जुड़ जाइए हमारे इस चैनल रसायन पाठशाला से। रसायन पाठशाला वो चैनल है जो आपको 100% रिजल्ट की गारंटी देता है। यहाँ पर 100% रिजल्ट की गारंटी, यहाँ पर 100% रिजल्ट की गारंटी है कि आप इसे देखेंगे पढ़ेंगे तो पूरे नंबर आप पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों में शेयर करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप उतर जाइए एकदम परफेक्टनेस के साथ। थैंक यू।